हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं जी। और आज का वीडियो अभी से शुरू कर रहे हैं हम आफ्टरनून से ही। आफ्टरनून के 1:15 बज रहा होगा। बच्चे अभी आए हैं स्कूल से और मैंने खाना वाना सब बना लिया है, खाया नहीं है, अभी खाएंगे। ताऊ जी को खिलाया है और बच्चे खाने मंडे हुए हैं। ये देखिए बच्चे खा रहे हैं दोनों के दोनों, यस्सू और प्रिया। और जिया यहाँ पे है नहीं, वो अपनी मम्मी के साथ गई हुई हैं जयपुर। वो किसी काम से गए हैं जयपुर, तो वो नाइट में आएंगे। नाइट को ही गए थे, नाइट को ही आएंगे। क्या हुआ? और ये लड़का ना, अच्छा मोबाइल छुपा रहा है। देखो मैंने कैमरा ऑन किया ना, तो मोबाइल छुपाया है इसने, और अभी अभी मोबाइल ऑन करके खाना खा रहा था। आप लोगों से छुपाया, देख लो इस लड़के को, है ना प्रिया? मोबाइल छुपाया नहीं इसने। अभी गिर जाती। और कैसी बनी है सब्जी? कैसी बनी है टिंकू? बकवास। अच्छा ला दे दे मेरी सब्जी, तो ला बकवास बनी। तो देखो फोन को इधर रख दिया खाना खाते खाते। ये देखिए यही फोन चला रहा था ये लड़का, देख लो इस लड़के को, पारस्तानी इस लड़के की। ये देखिए जी सब्जी हमने बनाई है, ये वाली देखिए, आलू और टमाटर की सब्जी है, ओनली सिर्फ आलू और टमाटर। अच्छी है ना, रस्सी वाली, ये सुको ऐसी पसंद है। और ये है आज की दही, और इसमें है रोटियां। और ये देखो इन बच्चों को देखो क्या करती गई, छिटम पिटम कर देते हैं। जबकि मैं ये देखिए जी यहाँ पे आज हम बना रहे हैं भरवा बैंगन की सब्जी। ये मैं अभी बैंगन लेकर आई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से लेकर के आई हूँ बैंगन। और छोटे छोटे से जो थे ना उनको मैंने धो लिया है और ऐसे कट मार दिया है, एक ऐसे और एक ऐसे करके, मतलब प्लस का जो निशान होता है ना अपना, वो लगा दिया है इस पर। और इसमें वो ये मसाला होता है अपना, वो भर दूँगी। ये मसाला मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसी में मिक्स कर ली है। और इसको मिक्स करके और इसमें भर दूंगी सभी में एक एक करके, और बस फिर तेल में कर लेंगे इनको, छोड़ दूंगी कढ़ाई में गरम तेल में, और बस ये हो जाएंगे सिम आँच पे, धीरे धीरे पकते रहेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। और एकदम सिंपल सी रेसिपी है, मतलब एकदम सिंपल सी है, ना ज़्यादा कुछ भी ताम जाम नहीं करना पड़ता, ना ज़्यादा कुछ काटा पीटी करनी, ना कुछ, और फटाफट से हो जाती है ये वाली सब्ज़ी। और इसलिए मैं यही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना लेट हो गया था मार्केट से आते आते, क्योंकि मैं पैदल ही आई, इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज यही सब्ज़ी बना देती हूँ, झटपट से बन जाएगी। और बस ये करके, और मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख रखा है, तो वो हो रहा है दूसरे गैस पे, और इस पे एक गैस पे सब्ज़ी छोंक देंगे। और दो तीन मैंने प्याज भी ली थी, तीन चार प्याज ली थी, मतलब छोटे साइज की। और आप चाहो तो इसमें एक दो तीन आलू भी डाल सकते हो, मतलब आपकी इच्छा अनुसार जितने भी हो आप आलू भी डाल सकते हो छोटे छोटे साइज के, लेकिन मैंने तो नहीं डाले थे, मैंने सिर्फ प्याज ही डाली थी, प्याज और बैंगन। और इसमें आलू भी डाल सकते हो आप, तो और भी मतलब अच्छी बन लगते हैं वो आलू भी भरवा। और बस भरवा मतलब कोई भी सब्ज़ी अच्छी लगती है वैसे। और दिन में बनाई थी आलू की रस्से वाली सब्ज़ी, तो वो भी थोड़ी सी बची हुई थी, और अभी ये बना देती हूँ बैंगन की, बस हो जाएगा हमारा। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और इसमें डाल दिया है ऑयल, और ऑयल हमारा अभी हो जाएगा गर्म, और फिर हम ये छोड़ देंगे इसमें कढ़ाई में एक एक करके बैंगन, और बस फिर आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए जीरा डाल दिया है हमने गरम कढ़ाई में, और ये यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है। और ये देखिए इतने ही बनाए हैं, बस हो जाएगा हमारा इसमें, जबकि ये भी बची जाएंगे थोड़े से ही, इसमें से भी बची जाएगी सब्जी, क्योंकि कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। और ये देखिए गरम ये हो गया था हमारा, जीरा भुन गया था, तो ये छोड़ दिए हैं मैंने कढ़ाई में, और बस ये सिम आँच पे करके छोड़ दूंगी, और बस पकते रहेंगे। और आप भी बना सकते हो,
ये वाली रेसिपी मतलब एकदम झटपट से तैयार हो जाती है। वैसे मैं आप लोगों को सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस मेरी जो रेसिपी है, मेरा जो तरीका है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझसे भी अच्छा बेस्ट बनाना आता है, मुझे पता है, तो मैं सिखा नहीं रही हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सिखा रही हूँ, बस मैं मेरी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, मैं इस टाइप की बनाती हूँ। और ये देखिए बन करके हो गई है रेडी, खा लीजिए, बहुत ही यम्मी यम्मी सब्जी बनी है। चलिए जी, बाय बाय, इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।